जिला हमीरपुर में आज पुलिस एक्स सर्विस कर्मियों की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हमीरपुर एसपी गोकुल चंद्रन ने शिरकत की। मीटिंग में सभी एक्स सर्विस पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया। एक्स सर्विस कर्मियों की इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक्स सर्विस पुलिस प्रधान ब्रह्मदास ने बताया कि आज जिला हमीरपुर में पुलिस एक्स सर्विस कर्मियों की मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि सभी एक्स सर्विस कर्मियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आज एक्स सर्विस पुलिस कर्मियों के पेंडिंग हेल्थ बिलों के बारे में चर्चा की गई, साथ ही पुलिस कर्मियों की कैंटीन के बारे में भी चर्चा की गई कि कैंटीन को कहीं खुली जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि सामान रखने व सामान खरीदने वालों को कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि जिन पुलिस चौकियों में स्टाफ की कमी है, उन सभी पुलिस चौकियों में स्टाफ को बढ़ाया जाए। एक साल के बाद कोरोना काल के बाद आज हुई साल के बाद, तो इसमें पेंडिंग बिलों के बारे में चर्चा की गई। एसपी साहब महोदय ने तशरीफ लाई और जिनके बारे में बिलों के बारे में उनके उनके पास बताया गया कि पेंडिंग बिल जो होते हैं वो जल्दी रख दिए जाएँ। बाकी कंटीन के बारे में कि इसको खुली जगह शिफ्ट किया जाए। कंटीन अच्छी है, सामान बहुत है, लेकिन रखने की व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसको खुली जगह जो है स्थान रख दिया जाए। बाकी चौकियों में थोड़ा स्टाफ काट है, कम है। जैसे बोटा चौकी है, वहाँ बीआईपी एरिया सारा और एनएच रोड है, तो बीआईपी की आमद रफ्त काफ़ी है, तो वहाँ थोड़ा स्टाफ बढ़ाया जाए। बाकी सब कोई ऐसे ही नहीं।